कैसे हो मेरी यारो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा 5 सितंबर को आप लोगों का जो फ्री फायर इंडिया है वो फ्री फायर इंडिया रिलीज होने वाला है गाइस। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बट फ्री फायर इंडिया को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे कि फ्री फायर इंडिया के अंदर क्या आप लोगों को भारत मैप देखने के लिए मिलेगा, और आप लोगों को पता होगा अभी का टाइम कूल टाइम चल रहा है, आप लोग गेम के अंदर 3 घंटे 6 घंटे के लिए खेलोगे तो आप लोगों का जो गेम है वो लॉग आउट हो जाएगा खुद ब खुद ही। बट आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि आप लोग लॉबी के अंदर खड़े रहोगे तो क्या आप लोगों का वो जो कूल टाइम है वो काउंट होगा, क्या आप लोग लॉबी के अंदर 6 घंटे के लिए आप लोग लॉबी के अंदर खड़े रहोगे तो क्या आप लोगों का गेम लॉग आउट हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारे अपडेट है फ्री फायर इंडिया के बारे में इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और वीडियो का एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे बंदे बहुत ज्यादा स्पैम और बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो भाई क्या सिग्मा गेम के बारे में और वीडियो नहीं बनाओगे। भाई सिग्मा गेम के बारे में भाई जल्दी से एक वीडियो बनाओ सिग्मा गेम के बारे में। भाई मैं आप लोगों के लिए सिग्मा गेम का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, और मैं आप लोगों के लिए हर टाइम यूट्यूब के अंदर एक्टिव रहते रहता हूं। जब भी मुझे सिग्मा गेम के बारे में कुछ अपडेट या फिर सिग्मा गेम जब रिलीज होगा तभी मैं तुरंत आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। भाई आप लोग टेंशन मत करो, मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ सिग्मा गेम का, बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए सिग्मा गेम का भी वीडियो आने वाला है। ओके गाइस, सबसे पहले आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के अंदर क्या नया चीज देखने के लिए मिलेगा। गाइस अभी के लिए तो आप लोगों को फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, बट आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के अंदर ये बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अभी फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स आप लोग खेलते हो तो आप लोग किसी को हेल्प मांगते हो तो वो बोलते हैं हेल्प मी, और किसी को मैड किट मांगते हो तो अनीरे मैड किट अनीरे एमओ ऐसे बोलते हैं ना। बट आप लोग फ्री फायर इंडिया के अंदर ऐसे नहीं होगा, पूरा हिंदी हो जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये सारे साउंड सुन पा रहे हो। यहाँ से मेरी मदद करो, दुश्मन आ रहे हैं, उन्हें रोक दो, सब्र रख, बहुत बड़ी। अभी आप लोगों को ये सारे साउंड फ्री फायर इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज तो देखने के लिए मिलेगा, बट साउंड वाला लैंग्वेज आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर। बट आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के अंदर ये सारे साउंड भी देखने के लिए मिलेगा हिंदी वाला। तो ओके गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्री फायर इंडिया आने के बाद फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के साथ क्या होगा। देखो गाइस, फ्री फायर इंडिया आने के बाद जो फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया है वो धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा। हाँ, आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर जाकर नहीं खेल सकते फ्री फायर इंडिया आने के बाद, और फिर भी आप लोग चाहो तो फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर गेम खेल सकते हो। बट आप लोगों को जो इंडियन वाला आईडी है वो आईडी को आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर ओपन नहीं कर सकते हो। आप लोग चाहो तो बाहर का सर्वर आईडी ओपन करके आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर गेम खेल सकते हो, बट आप लोगों का जो इंडिया आईडी है वो उस आईडी को आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर ओपन नहीं कर सकते हो। आप लोग चाहो तो किसी बाहर का सर्वर का आईडी ओपन करने के बाद आप लोग फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के अंदर गेम खेल सकते हो। ये रूल सिर्फ इंडियन प्लेयर के लिए। अब गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि आप लोग लॉबी के अंदर खड़े रहोगे तो फिर भी क्या आप लोगों का आईडी जो है वो 6 घंटे के बाद लॉग आउट हो जाएगा। गाइस आप लोग सुन लो अच्छे से, आप लोग गेम को ओपन करने के बाद लॉबी के अंदर खड़े रहोगे तो आप लोगों जो काउंटिंग है वो काउंटिंग नहीं होगा। आप लोग लॉबी के अंदर जितना मर्जी उतना खड़े रह सकते हो, 3 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जितना मर्जी आप लोग लॉबी के अंदर खड़े रह सकते हो, बट आप लोग जब भी किसी मोड के अंदर चले जाओगे, जब आप लोग गेम ओपन करके गेम स्टार्ट कर दोगे, गेम खेलना स्टार्ट करोगे, तभी आप लोगों का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब भी आप लोगों को 6 घंटे कंप्लीट हो जाएगा आपका आईडी खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। और जैसे आप लोग और एक चीज बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि आप लोग गेम खेलने का टाइम, जैसे आप लोग गेम खेल रहे हो एक मैच के अंदर हो, और आप लोग गेम खेलने का टाइम जो आप लोगों का 6 घंटे टाइम है वो टाइम कंप्लीट हो गया, और आप लोग सोच रहे हो टाइम कंप्लीट होने के साथ साथ आप लोगों का जो गेम है वो खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाएगा, आप लोग गेम के अंदर रहोगे फिर भी आप लोगों का गेम लॉग आउट हो जाएगा, आप लोग ये सब सोच रहे हो। बस ये सब कुछ नहीं होगा, आप लोग जब गेम खेलोगे, आप लोग किसी मैच के अंदर रहोगे तो आप लोगों का गेम का आईडी लॉग आउट नहीं होगा। अब जब भी गेम कंप्लीट होने के बाद आप जब लॉबी के अंदर आ जाओगे तभी आपका गेम खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाएगा, गेम खेलने का टाइम कुछ भी नहीं होगा। आप जब गेम से बाहर आओगे तब आपका आईडी खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचना गेम खेलने का टाइम आप लोगों का आईडी खुद ब खुद ही लॉग आउट हो जाएगा गेम के मैच से अंदर से, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोग जब लॉबी के अंदर आओगे तभी आप लोगों के साथ कुछ होगा। अब गाइस, आप लोगों का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है क्या फ्री फायर इंडिया के अंदर इंडियन वाला मैप देखने के लिए मिलेगा। जो आप लोग कुछ ये सारे वीडियो क्लिप देखने के बाद सोच रहे हो क्या हाँ फ्री फायर इंडिया के अंदर इंडिया वाला मैप देखने के लिए मिलेगा, जो आप लोग ये सारा वीडियो क्लिप देखने के बाद आप लोग बोल रहे हो भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग सोच रहे हो इंडिया मैप आप लोगों को फ्री फायर इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा, भाई ये सब कुछ नहीं है। जो आप लोग देख पा रहे हो ये सिर्फ एक लोडिंग स्क्रीन है। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि आप लोगों के इंडियन मैप देखने के लिए मिलेगा, आप लोग आपका घर के ऊपर जाकर लैंडिंग करोगे गेम खेलने का टाइम, भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ आप लोगों को लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। फ्री फायर इंडिया आ जाएगा ना आप लोगों को ये सारा लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा। रुको, आप लोग को इस लोडिंग स्क्रीन का थोड़ा सा आप लोगों को साउंड सुना देता हूं। हाँ भाई, इतना सा ही कुछ है, आप लोग और कुछ ज्यादा मत सोचो क्या फ्री फायर इंडिया के अंदर आप लोगों को इंडियन मैप देखने के लिए मिलेगा, ये सब कुछ नहीं होगा। आप लोग जब भी फ्री फायर इंडिया को ओपन करोगे तभी आप लोगों को शुरू पे ये सारे चीज देखने के लिए मिलेगा, लोडिंग स्क्रीन है ये। और आप लोग ये सारे कुछ पोस्ट देखने के बाद, ये सारे फोटो देखने के बाद आप लोग सोच रहे हो हाँ फ्री फायर इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा इंडिया वाला मैप, ये सब कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ थोड़ा सा एडिट किया गया है। जो फ्री फायर इंडिया है ये सिर्फ एक अलग सा ऐप है, इंडिया के लिए सिर्फ एक अलग सा ऐप है, बट सर्वर वगैरह सब कुछ एक ही है। फ्री फायर के जैसे सर्वर वगैरह सब कुछ है, आप लोगों को सब कुछ फ्री फायर के जैसे सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा। जब फ्री फायर के अंदर अपडेट
अपडेट आएगा तब फ्री फायर मैक्स के अंदर अपडेट आएगा, जब फ्री फायर मैक्स के अंदर अपडेट आएगा तब फ्री फायर इंडिया के अंदर भी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, सब कुछ सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिर्फ जो ऐप है ये सिर्फ इंडिया के लिए अलग से फ्री फायर इंडिया करके ऐप आ रहा है। शायद गाइस आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है, कुछ समझ में दिक्कत आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा, नहीं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो देखकर कैसे लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।